मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मुनिका है। मैं कक्षा BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा आज का टॉपिक है आर्कियोप्टेरिस के बारे में आप लोगों को इसकी कुछ जानकारी देना। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इनका शरीर का आकार आकृति एक पक्षी के समान भी है और सरीसृप के समान भी है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो यह इसके किंगडम में एनिमिलिया आता है और इसके फाइलम में कार्डेटा आता है और क्लास में एविस आता है और ऑर्डर में आर्कियोप्टेरी गिटफीमियस आता है और फैमिली में आर्कियोप्टेरी गिट्स आता है और इसके जीनस में आर्कियोप्टेरिक्स के जीनस के हैं और इसकी स्पीसीज जो है वो आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफिका है। इसके हैबिटल देखें तो प्रकृति एवं वास, यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग दोनों के बीच की कड़ी है और इसकी लंबाई 1.5 फीट की है। इस जीवाश्म में पक्षियों एवं डायनासोर दोनों के लक्षण थे, जो यह प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। इसके कंट्रीब्यूशन में हम देखें तो इसकी उत्पत्ति जुरेशिक काल में लगभग 180 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। इस जीवाश्म में पक्षियों एवं डायनासोर दोनों के लक्षण थे, जो यह प्रमाणित करता है कि इनके मध्य में आर्कियोप्टेरिक जैसे कोई जंतु है। मतलब इसके पक्षियों और डायनासोर मतलब सरीसृप दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं आर्कियोप्टेरिक्स में। इसके कमेंट्स अगर देखें हम तो आर्कियोप्टेरिस को आदिम पक्षी या उरोगेल भी कहा जाता है। यह एक छोटा डायनासोर था जिसके पंख थे और यह लगभग मैन पार्ट के आकार का था। आर्कियोप्टेरिस के पास दांतों का पूरा सेट लंबी हड्डी दार पूंछ थी। आर्कियोप्टेरिस के पंख काले थे और आर्कियोप्टेरिस अंडे देकर प्रजनन करता था। मतलब आर्कियोप्टेरिस अंडे देते थे। आर्कियोप्टेरिस आज पृथ्वी पर जीवित नहीं है और इसके पास विषभोज पंख और विषम उड़ान के पंख थे। इसका आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें तो आर्कियोप्टेरिस का आकार कौवे के आकार के करीब था, जिसके चौथे पंख पर गोल सिरों पर थे। पंख जो थे इसके वो गोल सिरों पर थे और एक लंबी पूंछ थी जिसकी लंबाई 20 इंच तक हो सकता है। इसकी संरचना और डिजाइन में पक्षी के पंखों की तरह दिखते हैं। धन्यवाद।